नमस्कार मित्रों, फॉसिल्स की डेटिंग से पता चलता है कि ह्यूमंस का अफ्रीका से बहुत पुराना रिलेशन है। अफ्रीका में हमारी कई सारी स्पीसीज है जिनसे हम यानी ह्यूमंस रिलेट करते हैं, और ये स्पीसीज एक तरह से चेन बनाती है। यानी जैसे ब्रेन को ले लीजिए, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ हमारा ब्रेन छोटे से बड़ा होता गया, और अभी तक होमोनियन की टाइमलाइन कुछ इस तरह से है। पहले आर्डिपिथेकस कडबा, आर्डिपिथेकस रेमिडस, ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस, अफ्रेंसिस, अफ्रीकेनस, डेरेमडा, बारेल गजली, ए प्लेटी ऑप्स, LD351, पी एथियोपिकस, एयू गारी, एच हेबिलिस, एच रुडोल्फेंसिस, पी बोइसेई, पी रोबिस्टस, एयू सेडिबा, एच एर्गेस्टर, एच रोडेंसाइंसिस, एच नालेडी और एच सेपियंस। पहले के दो AR कडबा और AR रेमिडस दोनों के बारे में डिटेल्स कम है। कडबा लगभग 5.8 से 5.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और रेमिडस लगभग 4.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके बाद ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस के बारे में कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, तो आइए आज के इस वीडियो में ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करें, और बाकी की स्पीसीज के बारे में किसी और दूसरे वीडियोस में कर लेंगे, जो कि इन स्पीसीज की एक सीरीज बन जाएगी लाइन टू लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीसीज का पहला फॉसिलाइज्ड स्पेसिमेन 1965 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम द्वारा लेक तुर्काना के कानापोई रीजन में यूमेरस यानी आर्म बोन का एक टुकड़ा पाया गया था। ब्रियान पीटरसन और विलियम डब्ल्यू होवेल्स का बोन पर इनिशियल पेपर 1965 में साइंस में पब्लिश हुआ था। उनके इनिशियल एनालिसिस ने ऑस्ट्रालोपिथेकस स्पेसिमेन और 2.5 मिलियन ईयर्स की एज का सुझाव दिया। पीटरसन और उनके सहयोगी ने बाद में फोनन करेलेशन डाटा के बेस पर उसे स्पेसिमेन की एज 4 से 4.5 मिलियन ईयर्स पहले की बताई। 1994 में पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट मीव लिके और आर्कियोलॉजिस्ट एलन वोकर ने आलिया बे साइट की खुदाई की और होमिनिड के कई एडिशनल फ्रेगमेंट्स को अनकवर किया, जिसमें एक कंप्लीट लोअर जो बोन भी इंक्लूड है, जो एक कॉमन चिंपैंजी के समान है, लेकिन इनके टीथ ह्यूमन से ज्यादा मिलते जुलते हैं। 1995 में मीव लिके और उनके सहयोगी ने ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस और नई खोज के बीच डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक न्यू स्पीसीज ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस में असाइन किया, जिसका नाम तुर्काना वर्ड अनम से लिया गया था, जिसका मीनिंग होता है लेक। तुर्काना एक लैंग्वेज है जो केन्या और इथियोपिया में तुर्काना पीपल द्वारा बोली जाती है। हालांकि एक्सकेवेशन टीम को हिप्स, फीट या लेग्स नहीं मिले। मीन लिके का मानना था कि ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस अक्सर ट्रीज पर चढ़ जाते थे। ये एनामेंसिस ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस के साथ कई ट्रेट्स शेयर करते हैं, और ये इसके डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स भी हो सकते हैं। ये एनामेंसिस के फॉसिल रिकॉर्ड्स 4.2 से 3.9 मिलियन ईयर्स पहले के बीच के हैं। 2000 के दशक में स्टेटिग्राफिक सीक्वेंस से लगभग 4.1 और 4.2 मिलियन ईयर्स पहले के होने का अनुमान है। फॉसिल्स में अपर और लोअर जो, क्रेनियल फ्रेगमेंट्स और लेग बोन के अपर और लोअर पार्ट्स इंक्लूड है। ये एनामेंसिस की खोज लगभग 4.2 मिलियन ईयर्स पहले की है, और आर्डिपिथेकस रेमिडस की खोज लगभग 4.4 मिलियन ईयर्स पहले की है। यानी दो स्पीसीज के बीच 200,000 ईयर्स की गैप है। आर्डिपिथेकस रेमिडस ये एनामेंसिस के प्रीडिसेसर्स हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस केन्या में पाया गया था, स्पेसिफिकली आलिया बे ईस्ट तुर्काना में। आइसोटोप डेटा के एनालिसिस के थ्रू यह माना जाता है कि उनके एनवायरमेंट में आज की तुलना में तुर्काना लेक के आसपास अधिक वुडलैंड कैनोपीज थे। आलिया बे में वुडलैंड की ग्रेटेस्ट डेंसिटी ओमो रिवर के किनारे थी। इसी तरह आलिया बे में यह सजेस्ट किया गया है कि एनवायरमेंट बहुत वेटर था। हालांकि यह भी निश्चित नहीं है कि नट या सीड बीरिंग ट्रीज आलिया बे में प्रेजेंट हो सकते हैं। वैसे इसके लिए अभी मोर रिसर्च की नीड है। ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस मॉडल फॉसिल्स पर माइक्रोवेयर की स्टडी से उन पर लंबी धारियों का एक पैटर्न दिखाई दिया, और ऐसा ही पैटर्न गोरिलास पर भी दिखाई दिया। इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस की डाइट मॉडर्न गोरिला के समान थी। ये एनामेंसिस की दंत चिकित्सा से पता चलता है कि वे ओमनिवोर्स थे, और उनकी डाइट चिंपांजीज के समान ही फ्रूट्स पर डिपेंड थी। ये विशेषताएं AR रेमिडस से आई थी। ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस, आर्डिपिथेकस रेमिडस और ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस के बीच की इंटरमीडिएट स्पीसीज है, और ह्यूमंस और अदर एप्स के साथ मल्टीपल शेयर ट्रेट्स हैं। सभी ऑस्ट्रालोपिथेकस बाइपेडल, स्मॉल ब्रेन और लार्ज टीथ वाले थे। ये एनामेंसिस में टूथ साइज में वेरिएबिलिटी से पता चलता है कि बॉडी साइज में सिग्निफिकेंट वेरिएशन था। ये एनामेंसिस और ए अफ्रेंसिस में यूमेरस और टिबिया में सिमिलरिटीज थी। इन दोनों में ह्यूमन लाइक फीचर्स और मैचिंग साइज थी। यह भी पाया गया कि ए एनामेंसिस के शरीर ए अफ्रेंसिस के कंपैरिजन में कुछ बड़े थे। एडिशनल रिसर्च बताती है कि
कि मॉडर्न ह्यूमंस की तुलना में ए एनामेंसिस के हाथ लंबे थे। फॉसिल एविडेंस के बेस्ड पर ए एनामेंसिस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की हाई डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रलोपिथेकस अधिक प्रिमिटिव माने जाते हैं। ए एनामेंसिस की नी, टिबिया और एल्बो के पार्ट्स एप से अलग थे, जो बाइपेडलिज्म की स्पीसीज के रूप में इंडिकेट करता है। बाइपेडलिज्म को इंडिकेट करने वाले मॉडिफाइड बॉडी के पार्ट्स के अलावा ए एनामेंसिस के फॉसिल्स पेड़ पर चलने के एविडेंस दिखाते हैं। फॉसिल्स एविडेंस से पता चलता है कि ए एनामेंसिस का जबड़ा कुछ चौड़ा था, जो आगे से नीचे की ओर सपाट था। तो ये थी डिटेल ऑस्ट्रलोपिथेकस एनामेंसिस की। आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।